हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु। मैथमेटिक्स बाय रघु आपका ये स्वागत करते हैं दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप हमारे सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्लास टेंथ का अगर सीबीएसई से आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप 18 से 19 वाले हो, यानी 2018 to 19 वाले हो, तो उसके लिए मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आप बोर्ड लेवल का है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितना है। तो 80 मार्क्स का पूछता है और यहाँ पर 3 घंटा अलाउ करता है, मतलब 3 आवर अलाउ करता है, मतलब 6 घंटा मतलब 3 घंटा मतलब रहेगा, सॉरी 3 घंटा के अंदर में आपको 30 क्वेश्चन का बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। इसमें करा कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है, जिसमें हर क्वेश्चन बनाना होगा आपको, और करके दिया भी है। और करा क्या चाहिए कि दी क्वेश्चन पेपर आर 30 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 4 सेक्शन में दिया बांटा गया है। ए सेक्शन में करा कि 6 ऑब्जेक्टिव होगा, बी सेक्शन में 2 नंबर वाला होगा, 2 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन, फिर सी सेक्शन में जो होगा 10 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स वाला, और फिर यहाँ पर करा कि डी सेक्शन में जो होगा 8 क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स वाले। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पता करिए, सॉल्व करके देखिए और कितना अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन को साथ साथ आपको सॉल्व भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखें ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसका पॉइंट कह रहा है क्या चीज़। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग कह रहा है, तो लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। तो आप फर्स्ट पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ देते हैं, उसको हाफ करते तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा कि पहला कि -5 और -1 का जोड़ के बटे 2 करेंगे, आप 4 + 0/2 करेंगे, इतना होगा a/3 और (g)2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस बराबर यानी कि इस तरीके से क्या होगा कि पहला जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एक्स कोऑर्डिनेट मानेंगे, इसको भी एक्स कोऑर्डिनेट, ये a/3 जो है और ये -6/2 जो आएगा उसके बराबर होगा, इसीलिए ये कितना हो जाएगा तो -3/9 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वह ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आगे देखिए इसको ध्यान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर में कि आप k का वैल्यू क्या होगा, जो कि k इतना मतलब एक रूट होगा 2, जो रूट 2 होगा तो ये इक्वेशन को वैल्यू वेरीफाई करेगा, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन जो है x² + 5kx है +16=0, उसमें 2 का वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 4² हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, x² मतलब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का रखने पर तो ये हो गया कितना, सॉरी इसमें है ये kx² है, तो यहाँ पे kx² मतलब 4k होगा, और फिर यहाँ पे 14 × 2 = 18 आएगा, 28 आएगा, प्लस में 8 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि = 0, और यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना आएगा तो 5 आ जाएगा, सॉरी k का वैल्यू 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, और इसको ध्यान से देखते जाए तो मतलब यहाँ पे सेकंड इसका और वाला जो है क्या कर रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ विच फॉर विच x² + 5kx + 16=0 इज रियल रूट है, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट है। तो रियल एंड इक्वल रूट होगा तो d = 0 होगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो d का वैल्यू 0 लेकर तो b² - 4ac = 0, तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ बी है बी का वैल्यू रखेंगे तो बी का वैल्यू कितना है 5k, तो 5k² - 4a * c होता है, तो ए का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू 16, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25k² और यहाँ पे = 64 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि k का वैल्यू 8/5 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ जाए तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, तो थर्ड नंबर भी क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर भी क्वेश्चन देखिए कि इसमें कह रहा है क्या चाहिए, cot² θ - 1/sin² θ है। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए cot² θ है तो cos को sin cos में बदल दीजिए तो भी बनेगा, अरे तो 1/cos² है तो cos² बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए cos² और cot² है, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे cos² - cot² बनेगा, और cos² - cot² का वैल्यू फॉर्मूला जो होता है -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे क्या करा है कि sin θ = cos θ है, तो ये अब 2tan θ + cos²θ का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए जब sin θ और cos θ है तो यहाँ पे क्या करिएगा कि sin θ है और cos θ है ना, तो यहाँ पे sin θ और cos θ को मतलब tan में बदल दीजिए, ठीक है,
तो इसका मतलब ये बराबर तभी होता है कि 45 डिग्री पे होता है, यानी 45 पे होता है तो बराबर होता है साइन कॉस का वैल्यू। तो थीटा हो गया 45, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan 45 का वैल्यू 1 आएगा, तो ये 2 आएगा, और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब 1/√2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यह आएगा आपका 2 + 1/2 यानी कि 5/2 आएगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है, इट एनेट टर्म्स इफ, अगर इफ एनेट टर्म ए पी इज 2n+1, ठीक है, एनवा टर्म जो है ये 2n+1 के बराबर है, तो कह रहा है व्हाट इज दी सम ऑफ द इट्स डिफरेंट फर्स्ट 3 टर्म्स, पहला 3 टर्म का जोड़ क्या होगा ये आपको निकालना है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म जो है इसमें एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट निकल रख दिए, यहाँ पे a1 = हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 तो 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको निकालना है a3 टर्म, थर्ड टर्म निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे सेकेंड होना चाहिए, a2 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे a3 और यहाँ पे 3 टर्म्स का जोड़ निकालना है। और ये भी निकाल सकते हैं कि थर्ड टर्म निकाल लीजिए और ये n/2 प्लस में a+l होता है फॉर्मूला, उस पर लगा दीजिए, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा है s3 बराबर 3/2 और 3+ में 7, क्योंकि 3 को टर्म का जोड़ना है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया है, और आसानी से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, जो 3 टर्म निकाल लीजिए उसके बाद सम करके लिख दीजिए। और ये बहुत शॉर्टकट बनाया है, तो शॉर्टकट बनाने से अच्छा आप लैंग्वेज बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको CBSE में स्टेप मार्किंग होता है, ध्यान में रखते हुए आपको बनाना होगा, सॉल्व करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि 4th नंबर हो गया, 5 नंबर, देखिए 5 नंबर का है क्या चीज़, इन फिगर 6 AD = 6 दिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे DB = कितना दिया है, DB = 9 दिया है, और फिर AE = 8 और यहाँ पे EC = 12, तो यहाँ पे कह रहा है कि AD E = 48 है, तो ABC = कितना होगा, AD और E = इतना, यानी ये है 48 एंगल, तो यहाँ पे ABC कितना होगा, ये कितना होगा, जब ये 48 होगा तो ये भी क्या होगा, 48 होगा, तब जब यहाँ पे दोनों का रेशियो देखेंगे कि AD/, यानी कि पाइथागोरस पे है कि नहीं, मतलब यहाँ पे सॉरी पाइथा नहीं थेल्स पे, ठीक है, थेल्स थ्योरम पे है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए AD/DB और AE/EC का रेशियो चेक कर लेंगे, तो दोनों का रेशियो जो है 6/9 और यहाँ पे 8/12 आएगा, तो दोनों का रेशियो आ जाएगा 2/3 और 2/3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 2/3 आ जाएगा, तो ये दोनों रेशियो सेम हो गया, तो इसलिए यहाँ पे DE = BC होगा, और जब DE = BC हो गया तो ये कोण जो है ये क्या होगा, तो यहाँ पे एक ही तरह का एक ही ओर का एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, समान हो जाएगा, तो यानी इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, तो AD E बराबर में एंगल ऑफ ABC = 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी डेसीमल प्लेस, अब कितने डेसीमल के बाद मतलब ये पॉइंट जो होगा टर्मिनेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस के बाद टर्मिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 5 के पावर कितना है, तो 4 है, ठीक है, 2 और 5 के पावर, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 है, इसका मतलब ये 4 प्लस के बाद हायर पावर जितना रहेगा ना 2 या 5 के अलावा, 2 और 5 यहाँ नीचे में होता है, ठीक है, और उसमें अगर 2 या 5 के अलावा जितना मतलब वो टर्मिनेट जो होगा वो मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक, तो आगे देखिए इसमें, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में कह रहा है कि HCF और LCM 2 नंबर 9 और 360 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 45 एंड फाइंड अदर नंबर, देखिए LCM और HCF का वैल्यू दिया हुआ है इतना है, और यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इतना दिया है, तो इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 45 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आएगा आपका, देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि HCF और LCM का मल्टीपल जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया सेकंड नंबर से निकालना है, तो सेकंड नंबर = यहाँ पे दोनों का मल्टीपल में 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसी में आगे ही कर रहा है और करके इसी में है और करके 7 का, और कि इतना सो डैट करना है कि 7 - √5 जो है इरेशनल नंबर होगा गिवन गिवन डैट इतना इरेशनल, ठीक है, तो आप इसको देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए, और यहाँ पे नहीं होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इरेशनल से दिखाना रहता है, यहाँ पे इतना इरेशनल दे दिया है, ठीक है, गिव दैट इतना इज इरेशनल, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल जो है दोनों के बीच कभी भी
अगर यहाँ पे कोई भी सेवन मतलब रिलेशन बन जाए कि मतलब सम हो या डिफरेंस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का रिलेशन बने, ठीक है, तो वो क्या होगा वहाँ पे यानी कि इरेशनल ही होता है, ठीक है। एक रिलेशन मतलब एक रिलेशन जो बनेगा यानी कि इरेशन इरेशनल और रेशनल दोनों में जो रिलेशन बनता है वो इरेशनल ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए एज्यूम करना है कि इतना ही बाय डेट इतना इरेशनल माना है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि सेवन माइनस में रूट फाइव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 माइनस में रूट 5 है, तो इतना इक्वल टू पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जो कि पी और क्यू क्या है, तो को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये √5 जो है, √5 तो इरेशनल नंबर बोल दिया है, तो इसके बाद ये रेशनल नंबर पूरा होगा, ये रेशनल नंबर है, तो इरेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि मतलब 7 माइनस में रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि 20 टर्म ऑफ द टर्म फ्रॉम द एपी, इतना है एपी दिया है, तो 20 टर्म पूछ रहा है इसमें से। अच्छा 20 टर्म पूछ रहा है, तो इसमें देखिए ए का वैल्यू कितना है, यानी फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 3 है, और कॉमन डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है 5 है, तो इस तरीके से देख के आप समझ सकते हैं। तो आपको लास्ट से लाना है क्या चीज़, 20 टर्म लाना है, तो लास्ट से लाने के लिए एल माइनस में एल माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू आप उल्टा ले लीजिए, आप यहाँ पे ए का वैल्यू जो लेते हैं ना, ए के जगह पे अंतिम पद ले लेंगे यानी लास्ट टर्म, तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको 253 है, और यहाँ पे डी का मान जो है ये बढ़ते क्रम में 5 है, तो यहाँ पे आप घटते क्रम में ले लेंगे 5, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में था अभी सीरीज, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डी का वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव लेने के बाद यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे के लिए इसमें देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, तब यहाँ पे माइनस हो जाता है बीच में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करके इतना आ जाएगा आंसर 158। अगला सवाल इसी में करा है कि और करके कि इफ 7 टाइम्स 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म, ठीक है। 7वां टर्म जो होगा, 7 टर्म जो होता है ना, वो 7 टर्म का 7 टाइम्स है, और 11 टर्म जो है 11 टाइम्स है, तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड 18 टर्म्स क्या होगा। तो 18 टर्म्स जो होगा, देखिए 7 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, 7 टर्म्स, और यहाँ पे 11 टर्म को 11 टर्म्स करके इसको आप दिखाएंगे कि 7 टर्म को a+6d लिखेंगे, और 11 टर्म्स को क्या लिखेंगे, a+ में 10d लिखेंगे, ठीक है। तो इसके आगे देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे कि ए प्लस में क्या है 17d, आप सॉल्व कर लेंगे मान ली कि इसमें से किसी एक तरफ कर देंगे सबको, तो ए प्लस में 17d आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसको सॉल्व करिए किसी एक तरफ करिए ना, हाँ तो वही होगा कि ए प्लस 17d होगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म दिख रहा है ये चीज़, वो 18 टर्म को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे a 18 टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको पूछ रहा था निकालने के लिए कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइडेड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इन द रेशियो 2:3 है, ठीक है। 2:3 में डिवाइड करता है, तो आप इसको डिवाइड मतलब कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर में कि यहाँ पे पॉइंट कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा दूर वाला के साथ, तो 2 है पहले रेशियो, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो 6 - 6 हो जाएगा /5, यानी 2 और 3 को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 5। आपको ये फार्मूला होगा मालूम कि m × m1 × या तो m मानिए, m और n मानिए रेशियो, ठीक है, इस रेशियो को मानते हैं m और n, तो m x2 अब प्लस में n x1 होता है बाय m1 + m + n होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई का कोऑर्डिनेट में होता है कि m y2 + m y1 ठीक है, अब बाय m + n, तो इस तरीके से ये निकालेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो इतना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या करा है, और 9 हो गया, 10 नंबर देखिए, एक कार्ड है ड्रॉइंग फ्रॉम रैंडमली, ड्रॉइंग एट रैंडम है, रैंडम ड्रॉ करते हैं, सफल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और यहाँ पे फाइंड, तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, ठीक है, तो बेहतर होगा, और मैं आपको इस तरीके से सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसे करूँगा तो मैं बहुत टाइम ले लूँगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसमें हमको बहुत टाइम लगेगा, आप फॉर्मूला को देख के समझ जाए तो बेहतर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये भी हम समझाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन था। तो ये 52 कार्ड्स होता है, जानते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 52 कार्ड्स में आपको कह रहा है क्या चाहिए, कार्ड्स को क्वीन जो है, क्वीन ये 62 प्लस में 26 प्लस में 2 और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसमें दो कार्ड और मिला दिया है, तो यहाँ पे आधा कितना आ गया, 26 और 28 बाई 52 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि नाइदर रेड कार्ड, ठीक है, नोर क्वीन, नोर ए क्वीन, तो रेड कार्ड भी नहीं होगा और ना क्वीन होगा। तो इसमें से 1 माइनस में 28/52 घटा देंगे, तो इस तरीके से 24/52 आएगा, यानी 7/13 आएगा, 7/23 आएगा आंसर। तो इस तरह से आप देखें, इसको समझ जाएं, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो मैं फिर से इसको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको 18 तक देखिए, क्लियर से देखने में आ गया होगा, 18 तक है। और उसके बाद देखिए 19 का क्वेश्चन क्या है, 19 का भी क्वेश्चन देख लें तो बेहतर होगा। तो 19 का क्वेश्चन ये है आपका, और इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे सॉल्यूशन होगा तो देखिए ध्यान से। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको मेन फोकस क्या है कि आपको क्वेश्चन दिखाना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आप दिखा देंगे तो आप उस तरह से क्या करेंगे कि तैयारी भी कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे क्या है, इतना है, 21 तक हो गया आपको, 21 तक में आपको फिर 22 तक है। इसमें देखिए 22 तक का सॉल्यूशन, 22 में यह है लास्ट आपका, कि इसका आंसर हो जाएगा 220.59 59, सॉरी, पॉइंट के बाद 59 बोलेंगे, नोट नंबर बोलेंगे, पूरा 59 नहीं बोलेंगे, 59 बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट सेक्शन एक और सीरीज होगा। तो इसमें देखिए 23 क्वेश्चन सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपको इसमें भी 8 क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखिए 23 से इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको देखने में आता होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें तो बेहतर होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पीछे बैक करके जरूर देखें, पीछे करके जरूर देखें वीडियो को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। 28 का इतना तक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है 29 नंबर का और 30 नंबर का इसी में, ठीक है। तो इस तरह से देखें ध्यान से, 28, 29, 30। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसको कमेंट करें, और कैसा लगा दोस्तों दोस्तों अगर अगर टाइम आपको ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टाइम दीजिए, और मैं कोई लंबा थोड़ा बना कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझा कर दूंगा। और अगर नहीं अगर समझ में आया तो फिर आपको मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ऐसा ही अगर यूट्यूब चैनल देखना चाहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको डेली अपडेट आपको इस वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।